हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आलू की मठरी, जो बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी है। आप देख रहे हैं कितनी ही क्रंची है ये, मैंने तोड़ा, बिल्कुल टक टक की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बना कर रख लीजिए तो लंबे समय तक ये खराब भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1/4 कप लेंगे सूजी, जिससे इसमें खस्तापन आएगा। नमक लें स्वाद के अनुसार, मैंने यहाँ पे 1.5 छोटे चम्मच लिए हैं। अजवाइन 1/2 छोटा चम्मच और इसको हाथ में मसल कर डालें, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। कुटी हुई मिर्ची 1.5 छोटा चम्मच, इसमें इससे थोड़ा तीखापन आएगा और स्पाइसी बनेगा। आप इसकी जगह मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच डालिए हल्का गरम तेल और मैंने लिया है 1 कप उबला हुआ आलू है, इसे कद्दूकस कर लिया मैंने, इसको इसमें मिलाएंगे। अब सारी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिक्स करें। अब ये देखिए हमारा आटा अच्छी तरह से मिल चुका है और अब इसका एक सख्त डो बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। बिल्कुल कम पानी डालें शुरुआत में और इनको अच्छी तरह से मिलाएं, और बीच बीच में जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी मिलाते जाएं और आटा तैयार करते जाएं। आटा अच्छा सख्त होना चाहिए, क्योंकि जब आटा सख्त रहता है तो मठरियां खस्ता बनती हैं और तेल भी कम पीती हैं। गीला आटा से हम अगर मठरी बनाएंगे तो नरम बनेंगी और तेल भी बहुत ज़्यादा पिएंगी, तो इसलिए आटे को हमें सख्त बनाना है बिल्कुल। और इसको गूंथते जाइए, थोड़ा आधा मिनट तक अच्छी तरह से गूंथ लीजिए। और अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर हम रख देंगे, जिससे जो सूजी है इसकी फूल जाएगी। और देखिए हमारा 10 मिनट हो गया है, अब मैं फिर से इसको दोबारा गूथ रही हूँ, जिससे ये और स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए आटा बहुत बढ़िया हमारा तैयार हो गया है। अब इसके हम 4 से 5 डो करेंगे बड़े बड़े, और एक पतली चपाती बेलेंगे। दोस्तों आप चाहें तो एक छोटी छोटी लोइयां बनाकर भी सिंगल सिंगल इसकी मठरियां बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक साथ ही एक बड़ी रोटी बनाकर सारी मठरियां बना रही हूँ। इससे इसका शेप बहुत सुंदर आता है एक बराबर, और ये आसान होता है ज़्यादा। और इसको मैंने रोटी से थोड़ा सा मोटा बेला है, बिल्कुल जरा सा। अब एक फोर्क लीजिए और इसमें अच्छा पूरा होल कीजिए छोटे छोटे, इससे क्या है ना हमारी मठरियां फूलेंगी नहीं। और कोई कुकी कटर हो या फिर आपके पास छोटा सा कटोरी हो, उसके हिसाब से आप काट लें। इस तरह से आप ढेर सारी मठरियां एक साथ तैयार कर सकते हैं। और मैंने कुछ मठरियां बना ली हैं और अब इसे मैं फ्राई करूंगी। तो तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम करें और इसमें मठरियों को डाल दें। और जब ये मेरी मठरियाँ फ्राई हो रही होंगी तो मैं जो बचा हुआ आटा है उससे और मठरियाँ मैं बना लूंगी, इससे टाइम का भी बचत होगा। और इनको मीडियम से लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। अगर हम तेज आंच पे इसे फ्राई करेंगे तो ये सॉफ्ट बने रहेंगे, कड़क नहीं बनेंगे, एक आलू की पूरी की जैसा तैयार हो जाएगा ये। इसलिए इसको लो फ्लेम पर तलना जरूरी है, जिससे इसमें खस्तापन आएगा और ये कड़क बनेगा। दोनों तरफ उलट पलट के हमने फ्राई कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, और इसको फ्राई करने में मुझे 10 से 11 मिनट लगा है। और इसे तेल से निकाल लें, इसका तेल अच्छी तरह से बाहर निकाल दें। और इसी तरह से सारी मठरियों को बेल कर आप फ्राई कर लें। और ये देखिए मैंने सारी मठरियाँ बना ली हैं और ये थोड़ी सी ठंडी भी हो गई हैं और ये बहुत ही खस्ता बनी हैं। आपको आवाज आ रही होगी, अब मैं एक मठरी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खस्ता और खनकदार इसकी आवाज है, और सच बनिए ये बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो आप भी एक बार जरूर से घर पर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मैं जब भी नई रेसिपी का वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या पिंटरेस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं।